गाड़ी हमारी पर्सनालिटी की एक एक्सटेंशन होती है और पिछले 11 साल से इंडियन मार्केट में जिस एक गाड़ी ने सभी कार एंथुजियास्ट और यूथ को अपनी तरफ जगड़ के रखा है वो है फोक्सवैगन पोलो। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो होने वाला है इस फोक्सवैगन पोलो का रिस्टोरेशन वीडियो। इस गाड़ी का हम कलर चेंज करने वाले हैं और गाड़ी की कंडीशन एक्चुअली इतनी ख़राब नहीं है, पर ये गाड़ी बिलोंग करती है हमारे वीडियोग्राफी टीम के मेंबर हर्षल सांगोले को। और हमारी जब रैपिड प्रिपेयर हो रही थी तो हर्षल का बहुत मन था कि वो भी अपनी गाड़ी बनाए और हमने भी उसे बहुत पुश किया कि तेरी गाड़ी को रिस्टोर करते हैं और कुछ उसमें डिफरेंट करते हैं ताकि जहाँ भी गाड़ी जाए हर कोई फैसिनेट हो गाड़ी को देख के। तो इस गाड़ी पे जो कलर हम करने वाले हैं वो होने वाला है लैम्बोर्गिनी का वर्डे अमस, जो कि हमारी रैपिड से बहुत डिफरेंट कलर रहेगा, ग्रीन शेड में आता है। और ये गाड़ी है 2013 का मॉडल और हर्षल के बहुत ही क्लोज है गाड़ी, तो बहुत टेस्टफुली हम इसको बनाएंगे और इस पूरे वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि ये गाड़ी कैसे बनती है और इसका एंड रिजल्ट कैसा आता है। पर इस वीडियो की खास बात ये है कि हम सिर्फ एक पोलो नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं दो पोलो। और ये जो पोलो है ये बिलोंग करती है हमारे कस्टमर को, और एक्चुअली में गाड़ी का कलर रेड है बट कस्टमर ने अपने वाइफ के लिए गाड़ी पे पिंक कलर का रैप किया हुआ था। और इस कार पे भी जो हम कलर करने वाले वो अभी तक फाइनल नहीं है, बट इतना पता है कि उस पर कुछ कस्टम और कुछ डिफरेंट कलर करना है। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको दोनों गाड़ियों का प्रोसेस दिखाएंगे और साइमल्टेनियसली देखेंगे कि एंड रिजल्ट दोनों का कैसे निकल के आता है। और फाइनल शॉट्स भी इस वीडियो में बहुत अमेजिंग आने वाले हैं क्योंकि दोनों पोलो का हम साथ में शूट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये काम कैसा लगता है और इसके एंड लुक आपको कैसी लगी। ब्रोटोमोटिव में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका होस्ट राघव। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर द ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। खूप प्रॉब्लेम आले मुक्का मारू तेरे को। फाइनली एटलीस्ट एक चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि रैप निकालना ज्यादा मुश्किल है रैप चढ़ाने से। तो गाड़ी पर से रैप हमने अभी उतार दिया है, कहीं कॉर्नर्स पे रैप बचा है अभी भी ये सारे एरियाज पे, वो हम तब निकालेंगे जब हम ये सारी फिटिंग्स खोलेंगे। उसके अलावा बम्पर्स पे कलर उतर चुका है, बट आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक प्राइमर के एप्लीकेशन के बिना पेंट किया गया था। और इसके अलावा गाड़ी में जो एक मेजर प्रॉब्लम था वो था एंट्स का, हमने एंट रिपेलेंट स्प्रे मार के काफ़ी सारी एंट्स हटा दी हैं बट अभी भी गाड़ी पर काफ़ी सारी एंट्स है जैसे ये सब एरियाज पे दिख रही हैं। तो एक बार जब हम डेंटिंग के लिए गाड़ी को ओपनिंग करेंगे उसके बाद हम वापस से एंट रिपेलेंट मारेंगे। चीटियाँ मारना अच्छा नहीं लगता है पर मजबूरी है, अभी गाड़ी के अंदर रहेंगी तो ओनर को काट सकती हैं और एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए इनको ठीक ढंग से हटाना बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए गाड़ी का अभी डेंटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, चलते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो रेड पोलो का रैप हम उतार चुके हैं और दोनों गाड़ियां अभी हमारे डेंटिंग स्टेशन में आ चुकी हैं। तो अभी जो प्रोसेस में अगला काम रहने वाला है वो रहेगा ओपनिंग का। तो दोनों गाड़ियां साइमल्टेनियसली एक साथ खड़ी हुई हैं और दोनों की ओपनिंग भी साथ में होगी, दोनों का डेंटिंग का काम भी साथ में होगा। तो चलिए इस काम को शुरू करते हैं। दो मिनट रुक जा महबूब, गाड़ी मत हटा। क्या चल रहा है आलम? के बाद डेंटिंग काम चालू करेंगे। पहले इसका ये रैप जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा। अभी पैनल सारे खोल देंगे पहले या पहले पूरा फिटिंग खोलेंगे, इसके बाद डेंटिंग काम करेंगे। ठीक है, तो रैप वैप निकालना होगा, तो उसके लिए जब पैनल खोलेंगे तो सारी धार वार साफ करनी पड़ेगी। काम तो वैसे दोनों गाड़ी में ज्यादा नहीं है यार, काम दोनों में एकदम ठीक ठाक है। क्यों इरफान भाई? तो दोनों गाड़ी का डेंटिंग चालू हो चुका है, उसमें बस एक काम एक्स्ट्रा था, उस गाड़ी पे रैप उतारना पड़ा। बट दोनों गाड़ी पे डेंटिंग का कुछ इतना मेजर काम नहीं है, तो जितना भी थोड़ा बहुत डेंटिंग का काम है अभी करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ियों को पेंटिंग स्टेशन में मूव करेंगे। लेट्स गो। अजीब सी खुशी है, अच्छा भी लग रहा है एंड अजीब सी दुख भी है। बेसिकली हम लोग ने पहले डिसाइड किया था कि ऑरेंज के टोन में जाएंगे, ऑरेंज के साथ रेडी करते करते मैंने और भी कलर्स रेडी करा लिए विच आई थॉट वुड लुक नाइस। नाउ यू कैन चूज कौन सा कलर आपको इसमें से अच्छा लग रहा है। देखो करने के लिए तो देर आर एंडलेस नंबर ऑफ कलर्स, मोर देन 18,000 शेड्स, बट दीज आर सम डिफरेंट शेड्स जो थोड़े से अच्छे लगेंगे गाड़ी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑस्टिन येल्लो बाय BMW, येल्लो का ये बहुत अलग शेड है। So you just have to pick a shade and go with it. एक ऐसा होता है कि एक पहली नजर में कोई इनमें से कलर अच्छा लग रहा है। Like that one the most. You like this one the most? It is subtle also. Yeah, it's a very subtle. I'll show you the car actually. Word Hermes, Tioman Green. तो दोनों गाड़ियों का डेंटिंग का काम हो चुका है और ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हैं एक्चुअली वो वाली लाल पोलो नहीं है, दूसरी पोलो जो हमारे पास ओवरकोट के लिए आई है।
और इसका भी आप देखेंगे पूरा डेंटिंग का काम हो गया है। दोनों गाड़ियों को अभी हम पेंटिंग स्टेशन में मूव करेंगे। अच्छी बात यह है कि लाल पोलो का आपने जैसे अभी फुटेज देखा, कल कस्टमर आए थे और उनकी वाइफ और उनके बच्चे भी आए थे, तो उन्होंने ऑडी का टियोमान ग्रीन अपनी गाड़ी के लिए चूज़ किया है, तो वो भी इस गाड़ी में बहुत सुंदर लगने वाला है। तो अभी अगला स्टेप रहेगा पुट्टी फिलिंग, सैंडिंग, प्राइमर सैंडिंग का। तो अभी गाड़ियाँ हमारी प्राइमर स्टेशन पर मूव होंगी, तो चलिए फिर उधर चलते हैं। गाड़ियों का प्राइमर का काम हो चुका है और अभी दोनों गाड़ियां पेंट बूथ में जाएंगी और उन पे उनका रिस्पेक्टिव कलर्स किए जाएंगे। मेरे से फ्रैंकली बोलूं तो इंतजार नहीं किया जा रहा, दोनों कलर्स इतने सुंदर हैं कि मजा आ जाएगा दोनों गाड़ियों को साथ में देख के। तो चलिए पेंट बूथ के अंदर चलते हैं और पेंटिंग का प्रोसेस देखते हैं, लेट्स गो। सेक्सी मस्त आने वाला है कलर। चलो पेंटिंग चालू करते हैं। तो गाड़ी तीन राउंड में पेंट होने वाली है। अभी बॉडी शेल, बॉनेट और फेंडर्स पेंट हो रहे हैं। सेकंड राउंड में हम लोग डोर्स मारेंगे और थर्ड राउंड में हम लोग मारेंगे डिक्की, बम्पर्स, डोर हैंडल्स और जो छोटी मोटी चीजें। तो तीन राउंड में ये गाड़ी पेंट होने वाली है। अभी भी कैंसिल करना तो बोल, कैंसिल कर देते। मैं अभी तो हो गया, नहीं बोल दे, मैं तेरा हुकुम, तेरा हुकुम सर आंखों पे, तो ऐसे ही लेके जा गाड़ी को देख, और पैसे भी मत दे, चल। नहीं तो ऐसा तोड़ना होता है।
स्पेशल कॉन्ग्रेट्स थैंक यू ओनली वन इन इंडिया आप देख सकते हो बॉडी लाइन भी बहुत बहुत अच्छा हुआ है कलर है यार अलग ही है यार अभी मेरा मन कर रहा है रैपिड पे मार दूंगा ये कभी भी कर सकते हो खुश हो गुड डिसीजन मान नहीं रहा था ये वाइट कर दो वाइट कर दो वाइट कर दो मैं कहा भग जाए ऐसे मैं नहीं कर रहा जाके करवा ले बाहर से रबिंग का काम चालू है और फिनिश बहुत ही प्यारी आई है एक्चुअली मेरे को भी ये कलर ज्यादा पसंद आया दूसरे वाले पोलो से कुछ नहीं पोलो का पीपीएफ चालू है और गाड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है और अब इंतज़ार नहीं हो रहा ख़त्म होने का
और क्या बस कल फिटिंग होके आई है गाड़ी तो फॉक्सवैगन का पार्ट्स के लिए गाड़ी जो है वो शोरूम गई थी क्योंकि फॉक्सवैगन पे काउंटर सेल नहीं होता और फिटिंग होने के बाद फिर गाड़ी जब इधर आई तो उसके बाद हम अभी पीपीएफ चालू किया हमने पॉलिशिंग किया और फिर पीपीएफ चालू किया आप सबने फाइनल शॉट्स गाड़ी के देखे होंगे हमने यहाँ पर दो गाड़ियाँ बनाई हैं दिस वाज रेड एंड वी हैव टर्न दिस टू ट्यूमन ग्रीन देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल मॉड्स दैट हैव बीन डन इन द कार एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये वाली गाड़ी जो है ये हर्षल की है दिस वाज वाइट इन कलर एंड नाउ इट इज वर्डे एरमिस दैट इज अ लैम्बोर्गिनी शेड ऑफ ग्रीन सो ये दोनों गाड़ी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डू सब्सक्राइब टू ब्रोटोमोटिव एक छोटा सा रिव्यू मैं करना चाहूँगा मैम के साथ जिनकी ये गाड़ी है पोलो मैम सो मैम दिस कार वाज पिंक इन कलर यू हैड गॉटन इट रैप्ड एंड द ओरिजिनल कलर ऑफ द कार वाज रेड सो आप लोगों ने आके बहुत सारे कलर्स देखे एंड यू फाइनलाइज दिस ट्यूमन ग्रीन सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन द कलर सो फर्स्टली मेरे और मेरे हस्बैंड का एक कलर पे व्यू मैच होना बहुत डिफिकल्ट ही वांटेड समथिंग मेटालिक या या राइट बट आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन फाइनली वी कुड फाइनलाइज ऑन दिस कलर आई एम सो ग्लैड दैट वी चोज दिस कलर इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज़ या बिकॉज़ आई वांटेड समथिंग दैट वाज सटल एंड सोबर एंड बट बिकॉज़ ऑफ द व्हील्स इट्स लुकिंग
बहुत कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. सो आई एम आल्सो हैप्पी एंड माय हस्बैंड इज आल्सो हैप्पी. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटकम. यू लव्ड योर कार? लव्ड. आई कांट स्टॉप स्टेयरिंग एट इट. नो एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड बट आई वाज लाइक नो आई विल कम हियर एंड सिट सो दैट आई कैन सी द कार. सो मैम ने ना पहले वो वाली गाड़ी देखी एंड शी केम इन एंड शी सेड यार दिस इज नॉट व्हाट आई फाइनलाइज्ड. देन शी सॉ दिस वन. And the car is actually looking very, very, very pretty. Beautiful. Yeah, it's very, very beautiful. Very beautiful. मैंने खुद imagine नहीं किया था जब हम because this is a solid color. It doesn't have metallic flakes. तो जब मैंने first time बनाया था I didn't मैंने imagine नहीं किया था कि इतना सुंदर लगेगा. But kudos to Audi. They have designed a beautiful color. This is Audi's. See, so you should always prefer a girl's choice also. Yeah, yeah. नहीं नहीं we do that. And it's मतलब इतने सारे कलर्स हमने डेमो किए एंड दिस वाज वन ऑफ द कलर्स दैट वाज आउटस्टैंडिंग. रियली रियली ऑसम. एंड नाउ योर कार इज पर्सनलाइज्ड टू योर चॉइस. या इट्स आई एम गोइंग टू ड्राइव इट विद प्राइड. टोटल प्राइड. एंड इट साउंड्स ग्रेट आल्सो बाय द वे. इट हैज अ ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट ऑन इट. देयर वाज एयर सस्पेंशन आल्सो बिफोर बट दैट वाज रिमूव्ड सम टाइम बैक. एंड आई होप यू लाइक्ड आवर सर्विसेज मैम. लव्ड इट. वेरी प्रॉम्प्ट. वेरी नाइस. And my husband also totally happy with. Thank you so much. Thank you. थोड़ा थोड़ा काम इस पर बचा है. हम लोग साउंड डैम्पिंग पैड्स लगाने वाले हैं और उसके अलावा थोड़े बहुत लोगोस बिठाने बाकी हैं. अभी गाड़ी का मुहूर्त है तो आज गाड़ी का पूजा करना है. राइट. यस राइट. तो अभी ये सब काम खत्म कर लेंगे. वंस ऑल ऑफ दैट इज डन वील गेट द कार बैक इन 2 to 3 days. एंड उसके बाद जो छोटे मोटे काम है वो भी खत्म कर लेंगे. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. लवली. डू शेयर लाइक सब्सक्राइब ब्रोटोमोटिव ऑन यूट्यूब. और आपने किया है? नहीं. आई एम डूइंग इट राइट अवे. आप भी करो. ब्रोटोमोटिव ना? यस ऑन यूट्यूब. थैंक यू गाइज. थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ ब्रोटोमोटिव. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.